हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और चलिए आज हम बात करते हैं, मेरे पास अपाची आरटीआर 160 की बाइक है। और इस बाइक में क्या है, पिकअप बिल्कुल भी नहीं है और ये बाइक जो है बहुत ही कम चली हुई है। और इस बाइक का क्या है, 3 से 4 बार क्लच प्लेट जल चुकी है। इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे और कौन सी कंपनी का आज क्लच पूरा सेट लगाने वाले हैं, तो वो हम आपको बताते हैं। और कौन सा ऑयल डालेंगे जो कि बाइक जो है काफी अच्छा चले, काफी रफ्तार रहे और माइलेज भी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, पिकअप का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और हब सेंटर यानी कि पूरा सेट लगाएंगे, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, तो चलिए वो हम आपको बताते हैं कौन सा लगाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये दिखा देते हैं कि ये जो है हमारा बाइक का है, ठीक है ना, जिसमें अभी हम जो नया लगाने जा रहे हैं पूरा सेट, उसी उसी का ही हमने खोला है। आपको हम बता देते हैं कि इसका जो है हमारा पूरा बुरी तरीके से ये सेंटर जो होता है ये कट के पतला हो चुका है और क्लच प्लेट जली हुई है। और ये हमारा हब होता है, हब भी बुरी तरीके से खत्म है, ठीक है ना। और ऑयल भी काफी ज्यादा कम निकला, यानी कि आधा लीटर। अब जो है सिंपली हम क्या करेंगे, ये बिल्कुल न्यू लगाएंगे। और ये जो होता है हमारा, यहाँ पर आप देखिए, ये हब जो होता है हमारा काफी मोटा होता है और ये सेंटर भी मोटा होता है। तो अभी सिंपली ये हम नया लगाने वाले है और पुरानों को हटाने वाले का है, ठीक है ना। अगर हम जेनमेल लगाते हैं तो 2500 रुपये इन्वेस्ट होता है, और एमके जो होता है हमारा 1000 रुपये के ही करीब में हो जाता है। इसका एमआरपी यहाँ पर लिखा हुआ है 1000 रुपये, ठीक है ना। तो 1000 रुपये में आपका क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, हब, सेंटर सारा काम हो जाता है। तो समझो 1000 रुपये ये हो गया, और एक हमारा ऑयल आएगा 370 रुपये का, तो 1300-1400 रुपये और 200 रुपये लेबर चार्ज, यानी कि 1600 रुपये में काम होगा। और कस्टमर काफी खुश हो जाएंगे और बाइक ऐसे चलेगी जैसे कि घोड़े की रफ्तार, जैसे चित्र दिया जाता है। तो चलिए वो हम आपको करके दिखाते हैं और काफी इजी ट्रिक से आपको अच्छे से ध्यान से समझना है और वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। इसी तरीके का वीडियो मेरे चैनल पे आते रहता है, आपका बहुत ज्यादा हमें प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा, आपको एक से एक वीडियो देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अब जो है सिंपली एक बार बाइक को चला कर देखा जा रहा है, इसके अंदर पिकअप जो होता है काफ़ी स्मूथ आ जाती है फुल सेट लाने के बाद, है ना। कस्टमर जो है बाइक लेकर आ रहे हैं, देख पा रहे होंगे कि क्या रनिंग है, क्या पिकअप है, बड़ा मज़ा आ गया भाई। इस तरीके से पिकअप देख के काफ़ी खूबसूरत पिकअप बन गई, आप देख सकते हैं। ठीक हो,
देखिए कस्टमर खुद बोल रहे हैं कि काफ़ी मस्त है, चीप एंड बेस्ट है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, तो इस तरीके से ही आपको काम करना। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नया टॉपिक के साथ, जब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।